सुबह सुबह की ये कहानी, सुबह सुबह उठते ही अपना काम चालू हो जाता है। तो भैया काफी सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे कि भाई फिर से हिमाचल चले गए, फिर से मनाली चले गए, आपके पास यही लोकेशन है, आप साउथ की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। यार देखो अभी पता है क्या है, गुड्डा बहुत छोटा है और मैं ना लंबे ट्रिप पे बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और अभी वो खुद इतने छोटे कि उसको लेके मैं ट्रिप पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो ना बहुत परेशान करते हैं। होली वाली ट्रिप पर लेके गए थे उसको, जो कारावैन का था, तो वहाँ पर भी उसने बहुत परेशान किया। तो भैया फिर से भूल जाओ, व्लॉग मैं बना पाऊँगा, एडिट कर पाऊँगा और आपके लिए शेयर कर पाऊँगा। तो लॉन्ग ट्रिप पर अभी नहीं जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन के ट्रिप पर जा सकता हूँ, जो मैं नियर अबाउट ही घूम रहा हूँ। अभी वो 3-4 महीने में बड़ी हो जाएगी, तब उसके साथ अपन ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसा ट्रिप कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो मैं रात को निकलूँ और सुबह तक घर पहुँच जाऊँ। तो ये मनाली उत्तराखंड ये अभी चल रहा है। तो बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो अपना फैमिली ट्रिप करेंगे बढ़िया से। और अभी अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो आज का प्लान है हमारा, वो है हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का। वहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो इधर पॉइंट पे, तो आज मैं सोच रहा हूँ उधर जंगल में जाके आज अपन कार कैंपिंग करें। तो अजय भाई के साथ अपना कैंपर वैन का ट्रिप बन गया था, लेकिन अजय भाई आज बिजी हैं। उन्होंने बोला कि सैम भाई आज मेरे पास थोड़ा सा काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ, कल आपके साथ जाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं पूरा दिन क्या करूंगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मनाली तो मैं आपको बहुत बार घुमा चुका हूं और आपको लोकल शॉप भी दिखा चुका हूं। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो ऊपर ही चलते हैं, जंगल में सोलो वाइल्ड कैंपिंग करेंगे आज। बस वहां पे परमिट मिलने का टेंशन है, उससे पहले होती है चेकिंग, जहां से वो परमिट चेक करते हैं। अगर अपना परमिट बन जाता है तो अब आज अपनी कैंपिंग हो जाएगी। तो इस व्लॉग के एंड में या फिर टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि अपन ऊपर जाके कैंपिंग कर रहे हैं, या फिर वही लौट के बुद्धू घर को आए वो वाला हिसाब किताब हो रहा है। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। काम के चक्कर में ना चाय भी ठंडी हो गई, अंडा भी ठंडा हो गया और ब्रेड भी ठंडी हो। व्लॉगिंग लाइफ। ओके तो समय आ गया है अपना एडवेंचर पे निकलने का। तो अजय भाई के होटल से अपन निकल रहे हैं और सीधा चल रहे हैं जंगल की तरफ। वे भाई ये क्या काम हो रहा है, वैसे ही छोटा रास्ता है, ऊपर से पूरा रास्ता भरा हुआ है, पीछे जगह नहीं है, चढ़ाई है भैया। ये बंदा यहाँ का लोकल ऐसे पता है कि पीछे चढ़ाई है। भैया वो नहीं माना, वो कह रहा है कि तुम बैक कर लो। यही होता है लोकल का और बाहर के बंदे का हिसाब किताब। मेरे को बहुत टफ पड़ने वाला है पीछे लेना। मेरी गाड़ी स्किड कर रही है पूरी, मेरे टायर ना पूरे स्किड कर रहे हैं और पूरे टायर में से बदबू आ गई। तो अपनी थोड़ी सी ग्रॉसरी खत्म हो गई थी, जो रॉ वाली होती है जैसे प्याज टमाटर वगैरह, वैसे बचे हुए थे मैंने फिर उनको निकाल दिया, क्योंकि 2 दिन हो गए थे रहते हुए भाई के होटल में, वो सड़ जाते। तो अब अपन फ्रेश खरीद लेते हैं। भाई साहब टमाटर कैसे दिए? टमाटर 40। आधा किलो टमाटर कर दो, टाइट टाइट से करना ठीक है। और प्याज? प्याज आधा किलो प्याज कर दो। ग्रॉसरी ले ली है, और ग्रॉसरी लेने के बाद ना पता नहीं एक अजीब सा फील आ रहा है अपने ये कैंपर वैन को देख के, कि इधर कैमरा इधर कैमरा, उधर टीवी लगा है, अपना सामान फैला हुआ है और अपन घूम रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। लाइक जैसे मैं हॉलीवुड पिक्चरों में देखता था ना, सेम एज इट इज़ अभी मेरे को वाइब्स आ रही है कि बीच में से रुके, थोड़ा सा रॉ मटेरियल लिया, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो डेस्टिनेशन सोचिए वहाँ पर जाके कैंप करेंगे, थोड़ा सा नेचर को इन्जॉय करेंगे। तो वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों अचानक से फील होने लगा। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया था, लेकिन जब अभी ग्रॉसरी वगैरह खरीद रहा था तो ऐसा फील आया मुझे।
तो जीबीका रोड ट्रिप करने के बाद में पता है क्या हुआ, मेरा कैश ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस लिमिटेड पैसे पड़े हुए हैं और मेरे को भराना पेट्रोल। लेकिन आजकल मेरा पेटीएम बहुत दिक्कत दे रहा है, कहीं भी पेटीएम कर रहा हूँ तो भैया वो अटक जा रहा है। तो मैंने पहले ना पेटीएम किया, मैंने कहा भैया पहले पेटीएम करने दो उसके बाद पेट्रोल डालना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आधा टैंक हो गया था, ऊपर जाना है तो पेट्रोल लग जाएगा क्योंकि पहले गियर में गाड़ी चढ़ेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा पेट्रोल भरा लेते हैं, पेट्रोल रहेगा टेंशन नहीं रहेगी। तो 2000 रुपये के पेट्रोल में अपना पूरा टैंक भर गया है, डैट मीन्स कि हमारा नारकंडा से यहाँ तक 2000 रुपये का पेट्रोल लगा, जिसमें हमने ट्रैवल किया लगभग 350 किलोमीटर के आसपास। वेदर ठीक है, खड़ा हो रहा धूप में तो गर्मी लग रही है, अदरवाइज एकदम बढ़िया रिपोर्ट। तो ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे चेक पोस्ट लगी हुई है, अब बस देखते हैं कि यहाँ से आगे जाने देंगे या नहीं। ऊपर बुकिंग है स्टेशन में? अच्छा, वो कह रहे हैं अभी ऊपर का रास्ता बंद है, जाने दे नहीं रहे, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। कह रहे 15 मिनट वेट करो, साहब आएंगे वो आपको अलाउड करेंगे तो फिर आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको वापस जाना पड़ेगा। तो भैया लगभग आधा घंटे के बाद मेरी ना ऊपर ढाबे पे बात हुई है, जिनके थ्रू मैं पहले भी ऊपर गया था उन भैया के थ्रू, तो अभी उनसे बात करें तब मुझे आगे जाने की परमिशन मिली है, और बस सेतन विलेज तक मेरे को परमिशन मिली है, और मेरे को सेतन विलेज ही जाना है, मतलब उससे थोड़ा सा आगे तक जाना है, दैट्स इट। तो अभी आपको यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहा होगा, वो है पारशा वाटरफॉल, और वहीं पे है अजय भाई का होटल। अभी हम लोग वहां थे और वहां से हम लोग देखो कितना हाइट पर आ गए भाई साहब, और जो नजारा है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है यहां से। और गाड़ी रोकी थी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि सिंपल फर्स्ट गियर में ऊपर आ रही है ये, अदरवाइज क्लच प्लेट एक बार गए तो फिर आगे का एडवेंचर नहीं हो पाएगा। अरे भाई मैंने तो केक काट दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइमलेस पसंद आया होगा। तो पहले जब अपन 200D कैमरा यूज़ कर रहे थे तो उसके अंदर पता है मेरे को सेटिंग्स के बारे में, मतलब वो ऑटो भी चलाता था मैं, मैनुअल उसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जब से अपन ने ना सोनी वाला कैमरा लिया है तो मैनुअल यूज़ करने का ऐसा शौक चढ़ गया है, और मज़ा भी आता है यूज़ करने में, कि अब मैं जितने भी मेरे पास कैमरा है सबको मैनुअली यूज़ करने लगा हूँ। बाकी मैं अभी घर पर बात कर रहा हूँ, पूजा लाइन पर है, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर बाद फिर नेटवर्क चले जाएंगे। तो सेतन विलेज पहुंच गए, अब आगे कैंपिंग लोकेशन पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा कि वॉशरूम का जो वाटर है वो रिफिल कर लेता हूं, क्योंकि फिर हमें जरूरत पड़ेगी। एंड सेकंड चीज, जो पीने का पानी था वो तो हमने अजय भाई के होटल से भर ही लिया था। तो भैया हमने ना पानी सारा रिफिल कर लिया है, मैंने 3 लीटर ये कैरी कर लिया है, 1-1 लीटर की बॉटल पड़ी हुई थी, 1 लीटर की हमारी ये वाली बॉटल और 1 लीटर की हमारी ये कांच वाली बॉटल, 5 लीटर अपना केन में भी भर लिया है। और पानी इतना ठंडा है ना, बहुत जबरदस्त, छूने से ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज में से अभी निकाल रहा हूं, वो तो आप उसके ऊपर जो मॉइस्चर आ रहा है आप उससे समझ सकते हो कि कितना ठंडा होगा। तो अपने पास हो गया 20 लीटर यहाँ, 40 लीटर, 3, 2, 5, 50 और 60, तो 60 लीटर पानी कैरी कर लिया है, अपन आराम से 2 दिन निकाल सकते। वेदर अच्छा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है, रात में बारिश आएगी और मजा आ जाएगा। तो चलते हैं अपना उसी लोकेशन पे, और मैं सोच रहा हूँ आज कुछ नॉनवेज में कुक करते हैं बढ़िया वाला। I don't know why I'm being the one feeling stupid.
फाइनली पहुंच गए अपनी हम लोग लोकेशन पे, जहां आज हम लोग करने वाले कैंप, और कैंप के साथ साथ आज बनाने वाले हम मटन, वो भी इस घने जंगल के बीचों बीच। और यहां पे फुल रहता है भालू का खतरा, भालू 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 चारों तरफ भालू भालू। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ आज अकेले कैंप करूंगा, लेकिन आज अकेले कैंप नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक भैया ऑलरेडी कैंप कर रखा है, जो लोग मधुमक्खी मतलब शहद का काम करते हैं ना, तो उन लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। आज उनके साथ अपन कैंप करने वाले हैं। फिलहाल चारों तरफ बिल्कुल जंगल है। उधर एक ढाबा आपको नजर आ रहा होगा, वो भी बंद है क्योंकि यहाँ पे ना इग्लू बनाए जाते हैं सर्दियों के टाइम पे, तो वो ढाबा तब रन होता है, अदरवाइज अभी सारा बंद पड़ा हुआ है। बस आपका भाई होगा, मटन होगा, भालू होगा और भैया होंगे जो मक्खी का काम करते हैं। तो भैया सेटअप वगैरह लगा लिया है और आज रात का हिसाब किताब बिल्कुल सेट है। मटन मैं बनाने वाला हूँ, जो हमारे साथ में भैया रुके हैं वो रोटी बनाने वाले हैं। आज मिलके बनाएंगे, मिलके खाएंगे और मिलके इन वादियों का मजा लेंगे। मज़ा आने वाला है आज कैंपरवैन में। अच्छा हुआ भैया मिल गए, अदरवाइज सोलो होता तो फटाफट बनाता खाता सो जाता। जो बाहर बैठने का जो टाइम है, बॉनफायर का टाइम है, वो एक्चुअल में अगर जिस हिसाब से यहाँ पे भालुओं का खौफ है, जो जिस तरह से हो रहा है, तो वो थोड़ा सिक्योरिटी का मामला देखना पड़ता। फिलहाल अभी बन रही है चाय और होने वाला है अंधेरा, तो लेते चाय की चुस्की मिलके। आइए आइए चाय पीजिए, अब हम आपको चाय पिलाते हैं। तो पहुंच गए बिल्कुल सही टाइम पे, ये तो बढ़िया है आपका, बिल्कुल पूरा सिस्टम है, इससे कर लेते हैं। अरे बहुत 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 पियो पियो पियो। और हो गया क्या खाना बैठ के, मैं पागल हूं। तो ऊपर हम लोग जैसे आए थे ना, वो इन्हीं भाई साहब की वजह से आ पाए, अदरवाइज ऊपर नहीं आते। और जो अभी वो मजे ले रहे हैं ना, वो हम ले नहीं पाते। थैंक यू, जैसे मैं पहुंचा आपने चाय बिल्कुल रेडी रखा। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम रखा आपने, सही है ना। वाह वाह, शावर भी है। अच्छा हाँ, इधर शावर है। यहाँ पे मंदिर और चाय भी बहुत अच्छी बनाई आपने, थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। यहाँ मैं अंदर सो जाऊंगा, अगर कोई और साथ में होता है तो उसका बाहर रूम बन जाता है, उसके ऊपर बेड वगैरह। क्या बात है। तो ऐसा होता है कैंपिंग के माहौल में, अभी हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपको दिखाता हूँ ना यहाँ पे रात वाले नज़ारे, रात वाली मज़े, और नॉनवेज बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो पता नहीं क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। अब ऐसी कैंपिंग करने वाले हम लोग, मज़ेदार वाली। गुड बाय। गाय का शिकार किया उसने, गाय को ले गया होगा नीचे। फुल जंगल के बीच में हम लोग आ गए और अभी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। गाय का शिकार किया अभी भालू ने, गाय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी अभी। ये देखो बहुत जोर से आवाज़ आ रही है। लो